नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन किल। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके घर में बम है। चौंक गए ना, चौंकना लाजमी भी है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सिलेंडर बम के बारे में। आपका परिवार खतरे में है क्योंकि आपके घर में बम है। घबराइए मत, क्योंकि आज हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो आपको चौंका सकती है। सावधान, खतरे में है आपका परिवार। आपके घर में कहीं बम तो नहीं? मौत की टिक टिक से खबरदार। हम आपको डरा नहीं रहे हैं बल्कि आपको आगाह कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे खतरे के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में आपने आज से पहले कभी सुना नहीं होगा। हम आपको एक ऐसे बम से सावधान कर रहे हैं जो 24 घंटे आपके घर के अंदर मौजूद होता है। उस बम का नाम है सिलेंडर बम। जी हां, एलपीजी गैस सिलेंडर बम। आप सोच रहे हैं कि किचन का यह सिलेंडर आखिर बम कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि यह सिलेंडर आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। ऐसा खतरा जिससे आपके पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। यकीनन आप पूछेंगे कि कैसे, तो हम बताते हैं कि किस तरह से किचन में रखा यह एलपीजी सिलेंडर कभी भी एक बम की शक्ल अख्तियार कर सकता है। दरअसल हर गैस सिलेंडर की एक एक्सपायरी डेट होती है। अगर एक्सपायरी डेट के बाद भी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। हैरत की बात यह है कि अपने किचन में रखे सिलेंडर की एक्सपायरी डेट के बारे में कम ही लोग जानते हैं। नहीं, चेक करने के लिए आता है, एक साल बाद चेकिंग होती है, बकायदा स्लिप काट के देखे जाते हैं, पाइप वगैरह सब चूल्हा चेक करके जाते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि आप कोई दुर्घटना होने पर कोई इंश्योरेंस जो है वो उपभोक्ता को दिया जाता है, या फिर सिलेंडर की एक्सपायरी डेट के बारे में कोई जानकारी आपको किस तरीके से होती है? इस बारे में तो कुछ नहीं है। सिलेंडर जो देखे जाता है वो चेक करके जरूर देखे जाता है कि कोई लीकेज नहीं है या नहीं है, और अगर बाय चांस कभी कोई हो फोन करने पे तुरंत घर पे आ जाते हैं चेक करने के लिए। तो एक्सपायरी वगैरह कोई जानकारी? एक्सपायरी की कोई जानकारी आपको नहीं है? और इंश्योरेंस के बारे में कोई जानकारी तो मिलता है आपको? नहीं। तो क्या आपको पता है कि जो सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं घर में उसकी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी होती है, क्या होती है, कुछ जानकारी इस बारे में? नहीं, इस बारे में तो हमें कोई नॉलेज नहीं दी उन्होंने अभी तक, ना हमें कभी अभी तक जरूरत पड़ी है इस चीज़ की। फोकस टीवी की टीम ने जितने भी लोगों से इस बारे में बात की उनका इस जानकारी को लेकर इनकार था। गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से इस्तेमाल करने वाले 1% लोग भी नहीं जानते थे कि एक्सपायरी डेट का सिलेंडर खरीदने से ये खतरनाक हो सकता है और बन सकता है बम। गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं की बात की जाए तो करीब 1% ही ऐसे लोग हैं जिन्हें यह पता है कि उनके सिलेंडर की एक्सपायरी डेट क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सिलेंडर की एक्सपायरी डेट सिलेंडर पर ही लिखी होती है और किस तरीके से इसका पता लगाया जा सकता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ B14 लिखा हुआ है, यानी जो ग्रुप है वो ग्रुप सेकंड है। अगर बात की जाए तो अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों की ये एक्सपायरी है, ग्रेस के साथ यहाँ पर दर्शाई गई है, और 2014 इसका मंथ है, यानी ये सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है 2014 में और उसके बाद भी इसको उपयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खतरे का जो कारण है, सिलेंडर फटने का जो कारण है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जी हाँ, जागरूकता कम होने के कारण ज्यादातर लोग सिलेंडर बगैर एक्सपायरी डेट देखे ही खरीद लेते हैं, लेकिन इससे बड़े जानलेवा हादसे होने की आशंका होती है। हमारे संवाददाता ने इन तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए
तीन प्रमुख सिलेंडर देने वाली कंपनियों का मुआयना किया और चौंकाने वाली बात यह रही कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ही एक्सपायर सिलेंडर धड़ल्ले से लोगों के घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। और लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी गैस एजेंसियां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर एक्सपायरी तारीख के सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए एक्सपायरी डेट के सिलेंडर जिसे बल्लभगढ़ की विनोद गैस एजेंसी लोगों को मुहैया करवा रही है और लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। और ये केवल एक एजेंसी ही नहीं बल्कि इसी तरीके से इंडियन गैस एजेंसी में भी एक्सपायरी सिलेंडर देखने को मिले हैं, जो कि फरीदाबाद में ही इंडियन की ही मिर्जापुर गांव स्थित गोदाम में मौजूद थे। ये देखिए जाहिर है कि इन गैस एजेंसियों को लोगों की जान की कतई फिक्र नहीं, वो तो महज अपने मुनाफे पर फोकस करते हैं। ऐसे में लोग मरते हैं तो मरे। फोकस हरियाणा के लिए जितेंद्र चौधरी की ये रिपोर्ट। तो आपको हम बता रहे हैं कि आपके परिवार का दुश्मन आखिर कौन है। हम आपको बता रहे हैं कि आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। आखिर सिलेंडर बम के लिए कौन जिम्मेदार है, इस रिपोर्ट में देखिए। कौन है आपके परिवार का दुश्मन, कौन कर रहा है आपकी सुरक्षा से खिलवाड़, सिलेंडर बम के लिए कौन है जिम्मेदार? इन सवालों के जवाब जानने के लिए फोकस हरियाणा की टीम ने कई दिनों तक अलग अलग इलाकों का दौरा किया। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी अलग अलग गैस एजेंसियों के गोदामों में पहुंचे और वहां लोगों से बातचीत की। उनसे बातचीत के बाद जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले थे। एक्सपायरी तारीख का सिलेंडर बम की शक्ल अख्तियार कर आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है, उसके बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी है ही नहीं, बल्कि अलग अलग तरह की गैस एजेंसियां भी इस मामले में बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करती हैं। जी हाँ, जानकारी के अभाव में एक्सपायरी डेट के सिलेंडर को न तो उपभोक्ता लेने से इनकार करते हैं और न ही गैस एजेंसी उन्हें इस तरह का कोई अलर्ट देती है, जबकि इससे उन्हें अपने मुनाफे के डूबने का खतरा रहता है। लेकिन चंद रुपयों की खातिर किस तरह से गैस एजेंसी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है, इसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। फरीदाबाद के परिवार के पास एक्सपायरी डेट का सिलेंडर डिलीवर किया गया। घर की महिला ने जानकारी के अभाव में उसे रख लिया, लेकिन परिवार के अन्य लोगों ने जब उसे देखा तो सावधानी के लिए उन्होंने गैस एजेंसी को फोन कर दिया। ये देखिए, ये बताने के बावजूद कि सिलेंडर एक्सपायरी डेट का है, गैस एजेंसी का मालिक क्या कह रहा है? तो ये सिलेंडर एक्सपायरी तारीख का है और अपना और गैस एजेंसी का नाम भी बताता है। कोई बात नहीं, इस्तेमाल कर लो, कुछ नहीं होगा। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं? जी हाँ, आप इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा। तो आप मतलब ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हो कि मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं है? सिलेंडर आप लगाइए, अगर कोई लीकेज वगैरह है तो उसकी कंप्लेंट करिए हमें, अगर नहीं है तो चलाइए आप, तो सिलेंडर चलने दीजिए। जिस बात को ये गैस एजेंसी का मालिक हवा में उड़ा रहा है उसके बारे में इंडियन फरीदाबाद के डिस्ट्रीब्यूटर और ऑल इंडिया नॉर्थ वेस्ट रीजन LPG फेडरेशन के अध्यक्ष की क्या राय है, जरा वो भी आप सुन लीजिए। इस्तेमाल करने की हानि तो जान माल की पूरी हानि होने की आशंका है, इसलिए उसको तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। बाकी ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई है तभी वो सिलेंडर एक्सपायर होगा। कई बार हम लोग भी उसको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको सीलन वाली जगह पर रखा हुआ है सिलेंडर, काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जो उसकी नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो एक्सपायरी आनी होती है, वो मान लो 3 साल बाद आनी है, अभी हो सकता है वो जल्दी आ जाए। तो सिलेंडर की अगर आपको स्थिति वैसे भी देख करके ऐसी लगे कि सिलेंडर जो है इस्तेमाल लायक नहीं लग रहा, चाहे उस पर तारीख अभी है, तो भी वो सिलेंडर जल्दी भी इंस्पेक्शन के लिए भेजा जा सकता है। तो वो हमें ही देखना है उसके जान माल का नुकसान का। तो ऐसा है साहब कि एक सिलेंडर अपने आप में एक बम है, अगर उसको गलत इस्तेमाल करा या गलत तरीके से इस्तेमाल करा या इक्विपमेंट में कोई कमी आई तो वो हमेशा ही नुकसान दे रहेगा। अनुपात में बात करें तो 80% के आसपास तो जो भी हादसे होते हैं उसमें कमी जो है वो उसको इस्तेमाल करने के तरीके में होती है।
कि चूल्हा ज़मीन पे अगर रखा हुआ है तो वो चाहे कैसी भी कमी हो जिससे कोई नुकसान आगे पीछे तो नहीं होता, अगर वो स्लैब पे चूल्हा रखा हुआ है और अगर किसी वजह से वॉशर में लीकेज है, रेगुलेटर में है, पाइप में है, तो उससे हादसा नहीं होता क्योंकि वो पानी की तरह गैस ज़मीन की तरफ को बहती है। लेकिन चूल्हा ज़मीन पर अगर रखा हुआ है तो वो हादसे के चांसेस उस हिसाब से बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा जो कारण है एक्सीडेंट्स का वो रबड़ पाइप है, कि रबड़ पाइप को हम लोग जो है अपने आलस की वजह से, मैं कह सकता हूँ क्योंकि कीमत की वजह से तो नहीं हो सकता, वो आलस की वजह से ये है कि हमें दिख रहा है कई महीनों से कि ये पाइप बदलने लायक हो गया है, लेकिन अपनी लापरवाही में उसी को बदलने से मना करते हैं। उस पाइप को सबसे पहले बदल लेना चाहिए। बाकी सिलेंडर के अंदर तीसरा रेगुलेटर की वजह से या सिलेंडर के अंदर लीकेज की वजह से हादसे बहुत रेयर होते हैं। 20-25 साल मुझे गैस एजेंसी चलाते हो गए हैं तो आज तक गैस सिलेंडर की लीकेज की वजह से तो हादसा एक भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। जिस बेतकल्लुफी से इस परिवार के लोगों को ये गैस एजेंसी का मालिक बरगला रहा है और खुद उन्हें बम की चपेट में आने के लिए तैयार कर रहा है, उससे साफ होता है कि मासूम और एक्सपायरी डेट के सिलेंडर के खतरों से अनजान लोगों को जान का किस तरह से खतरा है। सवाल यह है कि इस गैस एजेंसी के मालिक के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, जो न केवल अपने पेशे से गद्दारी कर रहा है बल्कि लोगों की जिंदगी को भी मौत के मुंह में डाल रहा है। जितेंद्र चौधरी, फोकस हरियाणा। ये खबर आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक बनाने के लिए दिखाई जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह की सावधानी रखकर आप अपने एलपीजी सिलेंडर को बम बनने से रोक सकते हैं। ये खबर आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जागरूक बनाने के लिए दिखाई जा रही है। अब आपको हम बताते हैं किस तरह की सावधानी रखकर आप अपने एलपीजी सिलेंडर को बम बनने से रोक सकते हैं। हर एलपीजी सिलेंडर पर लगी पट्टी पर एक खास कोड लिखा होता है, ए बी सी डी के साथ साल के दो आखिरी अक्षरों को अंकित किया जाता है। नंबर की सहायता से एक कोड लिखा होता है। गैस कंपनियां साल के कुल 12 महीनों को 4 हिस्सों में बांटकर सिलेंडरों का ग्रुप बनाती हैं। ए ग्रुप में जनवरी फरवरी मार्च, बी ग्रुप में अप्रैल मई जून होते हैं, ऐसे ही सी ग्रुप में जुलाई अगस्त सितंबर और डी ग्रुप में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर होते हैं। सिलेंडरों पर लिखा कोड इन लेटर की सहायता से एक्सपायरी या टेस्टिंग का महीना दर्शाता है, साथ ही आगे लिखा नंबर एक्सपायरी ईयर का होता है। अलग अलग सिलेंडर यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जिस तरीके से ये दूसरा ग्रुप है सी 2014 का ये ग्रुप है। अगर बात की जाए तो ये सिलेंडर जो है 2013 में एक्सपायर हो चुका है, और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसी तरीके के जो सिलेंडर है वो यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। ये सी 2015 का सिलेंडर है जो कि तीसरे ग्रुप में आता है और 2015 में इसकी एक्सपायरी होने वाली है। तो इस तरीके से लोगों को जानकारी, जहां 1% लोगों को ही इस बात की जानकारी होती है, वहीं करीब 5-7% इसी तरीके के सिलेंडर बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके बाद दुर्घटना का कारण कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, लोगों के लिए परेशानी बन जाती है। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 5% सिलेंडर एक्सपायर्ड या एक्सपायरी डेट के करीब होते हैं। लोगों के बीच जागरूकता कम होने की वजह से ये बार बार रोटेट होते रहते हैं। सामान्यतः एक्सपायरी डेट औसतन 6-8 महीने एडवांस रखी जाती है। चूंकि एक्सपायरी डेट पेंट द्वारा प्रिंट की जाती है, इसलिए इसमें हेरफेर की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कई बार जर्जर हालत में जंग लगे सिलेंडर पर भी एक्सपायरी डेट 1.5-2 साल आगे की होती है, जिस पर एजेंसी वाले तर्क देते हैं कि यहां से वहां लाते ले जाते वक्त उठा पटक से कुछ सिलेंडर पुराने दिखते हैं। एक्सपायर्ड सिलेंडर मिलने पर उपभोक्ता एजेंसी को सूचना देकर सिलेंडर रिप्लेस करा सकता है। गैस एजेंसी के रिप्लेसमेंट से मना करने पर वो खाद्य या प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत कर सकता है। इसे सेवा में भी कमी दिखने पर उपभोक्ता फोरम में मामला दायर किया जा सकता है। गैस कनेक्शन लेते ही उपभोक्ता का 10-25 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हो जाता है। इसके तहत गैस सिलेंडर से हादसा होने पर पीड़ित बीमा का क्लेम कर सकता है, साथ ही सामूहिक दुर्घटना होने पर 40-50 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। इसके लिए दुर्घटना होने के 24 घंटे के भीतर संबंधित एजेंसी व लोकल थाने को सूचना देनी होगी और दुर्घटना में मृत्यु होने पर जरूरी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। एजेंसी अपने क्षेत्रीय कार्यालय और फिर क्षेत्रीय कार्यालय बीमा कंपनी को मामला सौंप देता है। सिलेंडर का बीमा तभी आपको मिल सकता है जबकि सिलेंडर धारक ने जिस घर का पता दिया हो हादसा वहीं हुआ हो, यानी गैस कनेक्शन वैध हो, सिलेंडर ब्लैक में ना खरीदा गया हो, साथ ही चूल्हा IS मार्क का हो, साथ ही गैस कनेक्शन में एजेंसी से मिली पाइप रेगुलेटर ही इस्तेमाल हो, गैस इस्तेमाल की जगह पर बिजली का खुला तार ना हो, चूल्हे का स्थान सिलेंडर रखने के स्थान से ऊंचा हो। जागरूकता की यहाँ आवश्यकता है, लोगों को इस बात को
जानने की आवश्यकता है कि कब उनका सिलेंडर एक्सपायर हो रहा है और किस तरीके से वो दुर्घटनाओं के होने की संभावना को कम कर सकते हैं। फरीदाबाद से कैमरामैन मुकेश के साथ जितेंद्र चौधरी, फोकस हरियाणा। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।